नमस्कार दोस्तों। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान के बारे में। एमपी स्पेशल देख रहे हैं हम लोग। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बारे में मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। संविधान के अनुच्छेद 341 में सूचीबद्ध जातियां अनुसूचित जातियां कहलाती हैं। याद रखिए, अनुच्छेद 341 में सूचीबद्ध जो सूचीबद्ध हैं जातियां, उन्हें अनुसूचित जातियां कहते हैं। जनांकिकी 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या है 1,13,42,320, जो राज्य की जनसंख्या का 15.6% है। मध्य प्रदेश में 40 से अधिक अनुसूचित जातियां हैं। चमार चमार जाति राज्य की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। अन्य जातियों में खटीक राज्य की दूसरी बड़ी जाति है। भंगी, बलाई, बेड़िया, लखारा, बसोड़, ये सभी अनुसूचित जातियां हैं। आगे देखते हैं, बेड़िया नामक अनुसूचित जाति सागर जिले में निवास करती है, जो कि वैश्यावृत्ति से वंशानुगत रूप से जुड़ी रही है। सरकार ने इस प्रथा से मुक्ति हेतु जवाली योजना चलाई थी। साथ ही बसोड़ अनुसूचित जाति बालाघाट में प्रमुखता निवास करती है, जो कि बांस शिल्प से परंपरागत रूप से जुड़ी है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति इंदौर जिले में है। न्यूनतम अनुसूचित जाति झाबुआ जिले में है। जनसंख्या में प्रतिशत के हिसाब से अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत उज्जैन में है। आपको बता दें, जनसंख्या के मामले में इंदौर में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति है और झाबुआ में सबसे कम है, लेकिन प्रतिशत के मामले में अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा उज्जैन में है और न्यूनतम है झाबुआ में। तो याद रखने, जनसंख्या के हिसाब से इंदौर और प्रतिशत के हिसाब से उज्जैन। लिंग अनुपात है अनुसूचित जाति में 920, 2001 में था 905। साक्षरता दर की बात करें तो 58.6% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है बालाघाट। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग अनुसूचित जनजाति के बारे में। अनुसूचित जनजाति, जनजाति अथवा आदिवासी ऐसे मानव समूह हैं जो विकास के सोपान में सबसे निचले पायदान पर हैं। शब्दकोश के अनुसार जनजाति एक सामाजिक समूह है जो प्रायः निश्चित भूभाग पर निवास करता है, जिसकी अपनी भाषा, सभ्यता तथा सामाजिक संगठन होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति का प्रतिशत मध्य प्रदेश में 21.1% है। लगभग 24 जनजातियां यहाँ निवास करती हैं मध्य प्रदेश में। अपनी उपजातियों समेत इनकी संख्या 90 के लगभग हो जाती है। मध्य प्रदेश में 1,53,16,784 जनसंख्या है जनजाति की, जो अब भारत में सर्वाधिक है। राज्य की कुल जनजाति आबादी में भीलों की संख्या 50% में सर्वाधिक है। गौड़ों की आबादी दूसरे क्रम पर है। तो याद रखिए, भीलों जनजातियों में भीलों की संख्या सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर गौड़ों की है। अनुसूचित जातियों में 50,000 पुरुषों के बीच 975 स्त्रियां हैं। अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक स्त्री पुरुष राज्य के बालाघाट जिले में हैं, 1,050 स्त्रियां हैं, 1,000 पुरुषों पर 1,050 स्त्रियां। आगे बात करते हैं हम लोग जनसंख्या अनुसार वितरण बात करें तो राज्य के सभी 52 जिलों, आपको जैसा कि पता है कि 2018 में एक नया जिला निवाड़ी जिला बन गया है, तो 52 जिले हो गए। राज्य के सभी 52 जिलों में जनजातियों का निवास स्थान है, यद्यपि उनकी संख्या में अंतर है। धार में सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति की है। जनजातियों का दो पेटियों झाबुआ से सतपुड़ा पर्वत तथा मेकल पर्वत से बघेलखंड
बघेलखंड तक भारी संकेंद्रण है। धार झाबुआ मंडला खरगोन में 50% से अधिक आबादी जनजातियों की है। कहाँ कहाँ या धार झाबुआ मंडला खरगोन में न्यूनतम जनजाति भिंड में है 6131। मध्य प्रदेश की तीन बड़ी जनजातियाँ हैं भील गौड़ कोल। आगे बात करते हैं हम लोग एक जनजाति के रूप में भील जबकि एक समूह जनजाति के रूप में गौड़ मध्य प्रदेश की प्रथम स्थान पर है। विशेष पिछड़ी जाति की बात करें तो केंद्र सरकार ने राज्य की तीन जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है जिसमें बेगा सहरिया भारिया है। याद रखिए बेगा सहरिया भारिया। क्षेत्रफल के अनुसार वितरण की बात करें जातियों की तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जनजातियों में सहडोल सीधी जबलपुर रीवा सतना जिलों में कोल माड़िया अगरिया पनिका खैरवा जनजाति के व्यक्ति रहते हैं। इसमें कोल प्रमुख जनजाति है जो जबलपुर रीवा सतना बेल्ट में है। दक्षिण क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत मंडला बालाघाट सिकरी छिदवाड़ा बैतूल होशंगाबाद जिले आते हैं। यहाँ भारिया बेगा गौड़ कोरकू प्रमुख जनजातियाँ हैं। यद्यपि मड़िया माड़िया हलवा भी यहाँ मिलते हैं। बेगा विशेष रूप से मंडला में भारिया छिदवाड़ा में और कोरकू होशंगाबाद से लेकर पूर्वी निवाड़ तक मिलते हैं। पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो निवाड़ के दोनों जिले खंडवा खरगोन तथा झाबुआ रतलाम धार आदि में भील भिलाला जनजातियाँ विशेष रूप से पाई जाती हैं। इनमें भी झाबुआ और धार में इनका पर्याप्त संकेंद्रण है। जनजातियों की बात करते हैं जनजाति पार विवरण तो सबसे पहले बात करते हैं गौड़ का। गौड़ मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी और भारत की सर्व प्रमुख सबसे बड़ा जनजाति समूह गौड़ है। इसका मूल द्रविड़ियन है। गौड़ों की उत्पत्ति तेलुगु के कोंड शब्द से हुई है जिसका अर्थ पर्वत है अर्थात यह जनजाति पर्वतों पर निवास करती है। इनमें अनेक प्रकार के विवाह होते हैं जैसे दूध लौटाना पठोनी चढ़ विवाह लमसेना विवाह। किन में होता है गौड़ जनजाति में। गौड़ जनजाति में वर द्वारा वधू मूल नहीं चुकाने की स्थिति में वह भावी ससुर के यहाँ सेवा करता है जिसमें खुश होकर उसे कन्या दे दी जाती है। इसे सेवा विवाह कहा जाता है। वह व्यक्ति लामा नाई कहलाता है। ठीक है इनमें 7 प्रमुख पर्व होते हैं त्यौहार होते हैं बेदरी बकपंथी हरडीली नवाखानी जवारा मंडरी छेरता। पेज इनका प्रमुख भोजन है गौड़ जनजाति का। आगे बात करते हैं मुडियायो के समान गौंडों में भी घोटुल पिथा पाई जाती है। गौड़ 2 प्रमुख वर्गों में विभक्त है राजगौंड और धुरगौंड। मड़ई गौड़ और उसकी उपजातियों का एक सांस्कृतिक मेला है मड़ई। प्रमुख देवताओं की बात करें तो हिंदू देवताओं के साथ ठाकुर देव माता बाई दूल्हा देव वाधेश्वर सूरज देव खैर माता ग्राम देवी ये प्रमुख देवता हैं गौड़ के। प्रमुख नेत की बात कर्मा सैला भड़ौनी सुगा देवानी बिरहा कहरवा इसके प्रमुख देवता हैं। अब अंगली जाति की बात करते हैं हम लोग भील जनजाति। कौन सी भील मध्य प्रदेश की प्रमुख सबसे बड़ी जनजाति भील है। इसका मूल प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है। भील का अर्थ होता है कमान ये धनुष रखते हैं इसलिए भील कहलाते हैं। इनकी उपजातियों की बात करें तो भील भिलाला पटालिया रथियास बेगास इसकी उपजातियां हैं। आगे बात करते हैं हम लोग भील जहाँ रहते हैं उस जगह को फाल्या कहते हैं। भील जहाँ निवास करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं फाल्या। भीलों के पारंपरिक पर्व हैं गलछिड़ो भगोरिया नबई चलावड़ी जात्रा पिथौरा। भीलों का विश्व प्रसिद्ध चित्र है और श्री पेमा फाल्या इसके श्रेष्ठ कलाकार हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आयोजित भगोरिया हाट
भीलों का प्रमुख पैडर पर्व है जो होली के अवसर पर आयोजित होता है। अगली देखें तो बेगा जाति है, जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में बेगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण जाति है। यह गौड़ों की उपजाति मानी जाती है। इसकी उपजातियों की बात करें तो भरौरिया, नरौतिया, रैनना, कथमैना इसकी उपजातियाँ हैं। बेगा जनजाति पर लिखी गई पुस्तक है बेगा, इसके रचयिता हैं बैरियर एल्विन। बेगा जनजाति में बांसी भोजन की परंपरा है। इसके प्रमुख नेत्र हैं बेगा जाति के कर्मा, सैला, परधौन, फाग। साल इनका प्रिय वृक्ष है बेगा जनजाति का, जिसमें इनके देवता बूढ़ा देव निवास करते हैं। ठाकुर देव गांव की भूमि देवता है। बेगा बेवार पोंडू कृषि करते हैं, झूम कृषि करते हैं बेगा जनजाति, जबकि बारी नामक खेती पद्धति गौड़ जनजाति द्वारा अपनाई जाती है। बेगा जनजाति संसार की सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति है। फिर अगली जनजाति हमारी सहरिया, सहरिया जनजाति, इसकी बसावट को सहराना कहते हैं। जहाँ ये निवास करती है उस जगह को सहराना कहते हैं, जिसका मुखिया पटेल होता है। सहरिया जड़ी बूटियों की पहचान में सिद्धस्थ होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित पिछड़ी विशेष जनजाति है सहरिया। इस जनजाति का मूल निवास साहेवाद जंगल कोटा राजस्थान है। फिर अगली है हमारी भरिया, भारिया, यह द्रविड़ियन या कोलिरियन समूह की जनजाति है। पातालकोट छिदवाड़ा के भारिया आदम मानव जैसा जीवन जी रहे हैं। भारिया में चूड़ी प्रथा है, ठीक है। इसका मुख्य भोजन पेज है भारिया जाति का। महुआ और आम के बीजों की रोटी वर्षा ऋतु में खाते हैं ये लोग। इनकी बोली है भरनोटी भारिया जाति की। भरम, सैतम, कर्मा, सैलना इसके प्रमुख नेत्र हैं भरिया जाति के। भरिया जाति के प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बरुआ, नांगदेव। ढाहिया खेती करने वाले भारिया अब स्थायी कृषि करने लगे हैं। अगली जनजाति हमारी कोल, कौन सी है, कोल जनजाति, यह तीसरी बड़ी जनजाति है। कोल जनजाति के दो मुख्य उपवर्ग हैं रोतिया और रोतल। इसका दहका नृत्य अत्यंत प्रसिद्ध है। कुल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। अगली हमारी जनजाति है कोरकू, मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति एक आदिम जनजाति है जो मध्य प्रदेश के दक्षिण जिलों में निवास करती है। अधिकांश कोरकू होशंगाबाद, पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी नेवाड़, बैतूल, छिदवाड़ा, दक्षिण वार के मैदान तक बसे हैं। इसमें कई विवाद प्रचलित हैं कोरकू जाति में। इमझना, चिथौड़ा, रजनीबाजी, विधवा विवाह, हट विवाह आदि कोरकू जनजाति में होते हैं। कोरकू जाति की चार उपजातियां भी हैं, पटरिया, रूमा, दोलारिया, बोवई। खम स्वांग इनका प्रमुख नृत्य विधान नाटक है कोरकू जाति का। फिर अगरिया, गोंडों की एक शाखा अगरिया जनजाति का व्यवसाय लोहे को गला कर औजार बनाना है, अतः इसे अगरिया कहते हैं। अगली जनजाति अगरियाई, उदड़ दाल को शुभ संकेत के रूप में उपयोग करती है अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता हैं लोहासुर। अगरिया लोग अपने देवता को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। इसका प्रिय भोजन सुअर का मांस है अगरिया जाति का। अगली जनजाति हमारी पारधी, जिसका अर्थ होता है आखेट। यह बहेलिया श्रेणी की जनजाति है पारधी, बंदरों का शिकार कर उनका मांस खाती है। पारधी जनजाति का मुख्य निवास स्थान भोपाल, रायसेन, सीहोर है। फिर है पनिका जनजाति। पनिका मुख्यतः छत्तीसगढ़ के विंध्य प्रदेश की जनजाति है। यह मध्य प्रदेश की सीधी शहडोल में निवास करती है। इस जनजाति के लोग कबीरपंथी हैं। एक कबीर हा, कबीर रहा भी कहा जाता है इन्हें, कबीर रहा। कबीर रहा मांस मदिरा का सेवन नहीं करते। सूर, इंद्र, हनुमान, दूल्हा देव, बूढ़ी माता, मरही माता, हुल्की, भाई आदि की पूजा करते हैं पनिका जनजाति। अगली है उरान, उरान जनजाति।
इसका मुखिया महतो है कहलाता है तथा पुरोहित बेगा कहलाता है। इसके विवाह ग्रह धुमकोरिया कहलाते हैं। पर्व त्यौहार सरना पूजा, करना पूजा, कुलदेव की पूजा होती है। नृत्य होते हैं सरहुल, कर्मा, घुड़िया, डंडा। विवाह पद्धति की बात करें तो बूदे विवाह, बंदवा विवाह, राजी मर्जी विवाह, डुंडू विवाह, लड़की द्वारा स्वयंवर चुनना। बोली है इसकी कुरूक। फिर है हमारी खैरवार जनजाति। खैर व्यक्ति से कत्था निकालने के कारण खैरवार कहलाती है वाली इस जनजाति का वितरण है उमरिया, सीधी, अनूपपुर, शहडोल में। ठीक है। फिर कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति की पंचायत को मेयारी कहते हैं, याद रखना। फिर है बंजारा जनजाति हमारी। कौन सी है? बंजारा। भारत की यायार जनजाति बंजारा पर कबलाई पद्धति का प्रभाव आज भी है। कबीलों का एक मुखिया होता है जिसे नायक कहते हैं। बंजारा स्त्रियां संसार को सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति हैं। पहले यह जनजाति बालद लाद कर लाती थी, अर्थात बैलों को पर लाद कर जीवन उपयोगी सामग्री विक्रय करती थी। अब इनका प्रमुख व्यवसाय है पशुचारण। फिर अगली है धानुक जनजाति। धानुक जनजाति के लोग मुख्यतः भिंड, मुरैना, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, इंदौर और सतना जिले में निवास करते हैं। धानुक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के धनुष से होती है। धनुष रखने वाला इसका अर्थ होता है। इनमें विवाह सामान्यतः बाल्यावस्था में हो जाते हैं, धानुक जनजाति। अगली है सौर जनजाति। यह प्रदेश के सागर और दमोह जिले में निवास करती है। सौर लोगों में भवानी की पूजा की जाती है जिसका एक नाम दूलादेव भी है। अगला है बिंजवार जनजाति। बिंजवार मध्य प्रदेश की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। बिंजवार जनजाति मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला जिले में निवास करती है। ये मूलतः द्रविड़ियन परिवार के हैं। इनका उद्गम विंध्याचल पर्वत माना जाता है। पंचायत का मुखिया पेटल कहलाता है या गोटिया। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक पाई चार्ट के रूप में या मध्य प्रदेश की जनजातियों को। तो ये उपजातियाँ हो गई, ये जनजातियाँ, निवास स्थान हो गए। गौंड एक प्रधान इसकी उपजाति। अगरिया है, ओझा है, नगारची है, सोलहास है। ये प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यतः बिंद और सतपुड़ा जिले में निवास करती है। फिर है भील, बेरला, भिलाला, फटबिया इसकी उपजातियाँ। धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन में निवास करती है। बेगा जनजाति। ये बिजवार इसकी, नरोतिया, भतौरिया, नाहर, राय, मेना, कटमेना इसकी उपजातियाँ हैं। मंडला, बालाघाट, शहडोल में ये निवास करती है। फिर है कोरकू जनजाति। मोवासीरूम, बावारी, बुड़ाया, बुड़ोया इसकी उपजातियाँ हैं। खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल, छिदवाड़ा, देवास में निवास करती है। भारिया, भूमिया, भूमिहार, भूईहार, पंड इसकी उपजातियाँ हैं। छिदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, शहडोल, पन्ना में निवास करती है। कोल, रोतिया, रोतेले, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी में ये निवास करती है। अगली है मांडिया, अबू, झमड़िया, दंडामी, माड़िया, मोटा, कोईतुर ये इनकी उपजातियाँ हैं। और जबलपुर, मंडला, शहडोल, पन्ना, छिदवाड़ा में निवास करती हैं। सहरिया ये गुना, शिवपुरी, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर, विदिशा, राजगढ़ में निवास करती हैं। सऊर ये छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर में, दमोह में करती हैं निवास। अगरिया, मंडला, सीधी, शहडोल में ये निवास करती हैं। पनिका जनजाति ये शहडोल, सीधी में निवास करती है। प्रधान सिवनी, छिदवाड़ा, बालाघाट, विदिशा, बैतूल में इनका निवास स्थान। खैरवार सीधी, शहडोल, पन्ना, छतरपुर जिलों में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं हम लोग अनुसूचित जातियों, जाति और जनजातियों के लिए विकास हेतु राज्य की योजनाओं। तो सबसे पहले बात करते हैं अरुणिमा योजना। जनजातीय वर्ग को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करना इसका उद्देश्य था अरुणिमा योजना का। जवाली योजना वैश्यावती में उलझी जनजातियों की समस्याओं से संबंधित। शासन द्वारा जवाली योजना मुरैना, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, राजगढ़,
रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, सागर जिलों में चलाई गई थी। फिर हमारी राज्य अन्नपूर्णा योजना वर्ष 1999-2000 से अनुसूचित जाति के छोटे और सीमांत किसानों के लिए खरीफ मौसम में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, रवि मौसमी मौसम में बीजों की व्यवस्था करना। फिर है जीवन ज्योति योजना। इस योजना में जनजातीय क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराना। फिर है शंखनाद योजना। आदिवासी क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया में विद्यालयों की भागीदारी बनाना। आगे देखते हैं अंत्योदय कार्यक्रम। नवजीवन योजना। ऐसे जनजातीय सदस्य जो रोजगार की खोज में शहरों की ओर पलायन करते हैं, लेकिन निर्धनता एवं बेरोजगारी के कारण अपना जीवन फुटपाथ में गुजारते हैं, ऐसे आवासहीन परिवारों को इस योजना के अंतर्गत रियायती मूल्य पर भूखंड उपलब्ध कराया जाता है। फिर वसुंधरा योजना। इस योजना के तहत आदिवासी भूमिहीन कृषकों को कृषि योग्य भूमि खरीदने हेतु 10 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना किया जाता है। जीवन धारा योजना। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को सिंचाई उपलब्ध कराई जाती है। आगे बात करते हैं जीवन जल जीवन योजना। इस योजना के तहत कृषि सहकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति जनजाति के छोटे किसानों को सिंचाई हेतु 75% अनुदान दिया जाता है। स्वावलंबन योजना। इस योजना के अंतर्गत आदिवासियों को व्यवसाय शुरू करने हेतु सरल किस्तों में ऋण प्रदान किया जाता है। अगली मधुबन योजना। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को आधुनिकतम डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, अन्य पशु विकास कार्यों की स्थापना का प्रावधान है। पवन पुत्र योजना अगली है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बेरोजगारों को ऑटो रिक्शा, मेटाडोर आदि खरीदने के लिए आसान किस्तों में ऋण प्रदान किया जाता है। अगली है निर्मित योजना। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सदस्यों को इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर तथा डिप्लोमाधारी इंजीनियर्स द्वारा भवन निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर हमारी अगली है रफ्तार योजना। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशिक्षित चालक, परिचालक तथा सहायक वर्ग को संगठित कर एक समिति का निर्माण किया जाता है। ऐसी समिति को ट्रक या बस क्रय करने के लिए शासन द्वारा ऋण एवं अनुदान दिया जाता है। अगली हमारी सहारा योजना। सहारा योजना अनुसूचित जाति जनजातियों के निःशक्त एवं कमजोर लोगों के लिए सामान्य रोजगार सृजित करना इस योजना का लक्ष्य है। अगली है सहकार योजना। इस योजना के अंतर्गत स्थानीय खनिज तथा इस पर आधारित अन्य स्रोतों से अनुसूचित जाति जनजाति के श्रमिकों को प्रत्यक्ष लाभ दिलाने का प्रयास किया जाता है। अगला है न्याय निकेतन परियोजना योजना। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अभिभावकों को प्रैक्टिस सुचारू रूप से चलाने तथा असुविधा से बचने के लिए न्यायालयों के निकट अभिभाषक कक्ष उपलब्ध कराया जाता है। अगली है धनवंतरी योजना। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए एलोपैथिक अथवा आयुर्वेदिक चिकित्सकों को स्वयं के मूल स्थान पर अथवा जनपद मुख्यालय पर निजी प्रैक्टिस के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अगला है वनजा योजना। इस योजना के तहत लघु वनोपज पर आधारित लघु उद्योगों में अनुसूचित जाति जनजाति की सहकारी समितियां बनाकर उन्हें आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। डहया कृषि, पेंडा कृषि, बेबरी कृषि, झूम खेती, ये सभी स्थानांतरित कृषि के नाम हैं। बेगा जनजाति में समय के अनुसार 3 भोजन प्रचलित हैं, सुबह वासी, दोपहर में पेज, रात्रि में बीमारी। भीलों का घर फाल्या कहलाता है। मड़िया जनजाति अल्पसंख्या में जबलपुर, मंडला, पन्ना जिलों में पाई जाती है। कोल शहरी मजदूरों के रूप में विख्यात है। कोल जनजाति पठौनी विवाह गौड़ जनजाति में विचलित है
सागर में बेड़िया जनजाति में वेश्यावती विचलित है अभी भी। जनजाति युवा गिरोहों की बात करें तो मुड़िया, घोटुल, भुयान, धांग, धांगर वांसा, भारिया, रंगबंग, उराव, धुमकोरिया, मुंडा, गति, ओरा। तो ये थी हमारे मध्य प्रदेश की जनजातियाँ और जातियाँ और जनजातियाँ। ठीक है।